है हमारे पास एम्प्रोब नाम इस कंपनी का, और इसमें ये हमारे पास एक जो है ना ये रिसीवर है और साथ में एक ये ट्रांसमीटर है। इन दोनों के जरिए हम जो है ना अभी आपको बताएंगे किस तरीके से हम जो है इसकी जो है ना हम केबल की डिटेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये रिसीवर है, इसको हम ऑन करेंगे। ये ऊपर सबसे जो है ना इसके हमारे पास पावर ऑन का बटन है, ये हमने इसको ऑन किया है। ये बैटरी की पहले इसने बताया हमें, यहाँ पे जो है ना इसके हमारे जो है ना वो 10 सेल डालेंगे डबल ए साइज के। और इस मीटर के अंदर जो है ना ये दरमियान में हमारे पास जो है ना ये रेगुलेटर, इससे जो है ना हमारा वॉल्यूम कंट्रोल होगा। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा वॉल्यूम अप होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वॉल्यूम जो है ना हमारा डिटेक्शन का डाउन हो जाएगा। तीन इसके ऊपर हमारे पास जो है ना ये बटन है, पहले वाला जो है ये इससे हम जो है ना केबल की लोकेशन और डेप्थ की मेजरमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सेकंड वाला जो है इसे हम जो है ना अपने सिग्नल को जो है वो ऑटो पे या मैनुअली जो है ना वो सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी इसे हमारे पास हम इसकी जो सेंसिटिविटी होती है उसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अभी ये 96 पे है, इसी तरीके से हम जो है ना इसको कम करके 80 या 70 के ऊपर भी रख सकते हैं। ये थर्ड वाली जो हमारे पास ऑप्शन है, इससे हम पहले इसका तीन मेथड है केबल को डिटेक्ट करने के। अभी ये हमारा रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट कर रहा है, इसको हम जो है ना पहले वाले मेथड पे लेके आएंगे, इससे हम जो है ना अपनी पावर केबल्स को डिटेक्ट करेंगे। और तीसरा इसमें जो मेथड है वो ट्रांसमीटर वाला है, TX जहाँ पे लिखा होगा वो हम बाद में अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जो है ये अपनी पावर केबल के लिए सिलेक्शन करते हैं। ये हमारे पास ये सिंबल भी आ गया हमारे पास, इससे हम अपनी पावर केबल को सिलेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास अभी मीटर ऑन है, ये हम इधर से जो है ना ऐसे चलना शुरू करेंगे, इसी तरह करीब आ रही ऊपर से बताएगा डिस्प्ले। इसके डिस्प्ले में हमें जो है नीचे अपनी केबल की जो है वो बता रहा है स्ट्रेंथ कितनी है। अभी ये 01 के करीब है, जैसे जैसे हम जो है ना आगे चलते जाएंगे यहाँ पे जो है इसकी रेंज ये बढ़ती जा रही है। ये जब ये 9 या 10 के करीब पहुँचेगा तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो है वो नीचे केबल है। इसकी डायरेक्शन जो है ना ये इससे भी हमें ये हम इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम कर लेते हैं ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारा 77% स्ट्रेंथ के ऊपर। हमारे पास यहाँ पे जो है केबल है, इसकी हम जैसे ये रोटेशन करेंगे तो ये केबल की जो है ना वो हमें डायरेक्शन एग्जैक्टली बता देगा कि ये हमारे पास फुल हो गया, अभी इस डायरेक्शन में हमारे पास केबल है। इस डायरेक्शन में इसकी स्ट्रेंथ और कम होगी, इसका मतलब है डायरेक्शन गलत है। तो ये डायरेक्शन होगी हमारी केबल की, ये हमारा केबल इसी डायरेक्शन में जो है ये आगे जो है ना वो चलती जा रही है। अगर हम थोड़ा सा आगे पीछे मूव होंगे तो हमारी जो इसकी जो है ना ऊपर डिस्प्ले में ये कम होता जाएगा, यानी केबल हमारे पास दूसरी साइड पे जहाँ पे हम पहले थे। इसके बाद हम ये दूसरे तरीके से भी हम केबल की डिटेक्शन चेक कर सकते हैं। 1 वाले को प्रेस करें तो ये हमें बताएगा कि जो है ना हमारी केबल की नीचे जो है ना वो किस साइड पे है। अभी ये दोनों एरो के साइन जो है ना वो बता रहे हैं केबल इधर नहीं है, ये हम जो है ना आगे मूव होते हैं। जैसे ये नीचे वाला एरो का साइन आएगा तो उसका मतलब है केबल हमारी यहीं पे है, इसके नीचे है। दोबारा हम उसी सिलेक्शन में आते हैं तो ये हमारा केबल का सिग्नल है। ये हमारा पहला तरीका है, इसमें हमें जो है ना केबल जो हमारी नीचे पावर केबल है उसकी जो है ना इससे हम डिटेक्शन करेंगे। ओके, अभी हम जो है इस केबल डिटेक्टर का जो दूसरा मेथड है उसके जरिए जो है ना हम देखेंगे कैसे हम डिटेक्ट करेंगे केबल को। पहले हमने देखा कि बगैर किसी ट्रांसमीटर के केबल को डिटेक्ट करना कैसे है। अभी हमारे पास ये ट्रांसमीटर है, इसके साथ में जो है ना हम डिटेक्ट करेंगे अपनी केबल को। इस ट्रांसमीटर के साथ भी हम जो है ना दो तरीके से कर सकते हैं केबल डिटेक्ट। पहला तरीका है डायरेक्ट मेथड है, उसमें हम अपनी केबल ये जो हमारी वायर है इसके साथ में दो या तीन लीड आई हुई हैं, इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने किसी भी जो भी हमारे पास एक केबल है या कोई पाइप है, मेटालिक पाइप है, उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सिलेक्शन करते हैं, यहाँ से जो है ना हम अपने तीन नंबर से ये मेथड यूज करेंगे TX वाला, जिससे हमारा ट्रांसमीटर वाला है। और अभी डायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि हम इसको पहले ऑन करते हैं, ये इसका जो है ना ऑन वाला स्विच है, इसको प्रेस किया, थोड़ा होल्ड किया, इसके ऊपर जो है ना ये इंडिकेटर आ रहे हैं हमारे, ये ऑन हुआ है, ये ऊपर इसके बैटरी का इंडिकेटर आ गया, ये ग्रीन कलर में है
तो इसका मतलब है बैटरी ओके। अगर रेड कलर में है तो इसकी जो है ना वो बैटरी डाउन है। आगे जो है ना ये तीन सिलेक्शन है इसकी। ये फर्स्ट वाली जो है ना इसमें ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है इसकी, और जो अगर हम इसको प्रेस करेंगे ऊपर वाली जो है ना ये कंटिन्यूस नहीं है, ये हम मेथड यूज नहीं करेंगे, नीचे वाले पे रखेंगे। सेकंड वाला जो है ना ये स्ट्रांग फ्रीक्वेंसी होगी, और ऊपर जो अगर हम करेंगे तो ये जो है ना इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो लो होगी। और ये लास्ट वाला जो हमारा मेथड होगा, इसमें दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड है उसमें हम जो है ना ये वाला बटन प्रेस करेंगे और ये क्लिप जो है ना अपने अपने कोई मेटालिक का पाइप होगा या केबल होगा उसके साथ कनेक्ट करेंगे। अभी हम ट्रांसमीटर को कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में कब करेंगे कि हमारे पास जो है ना एक मेटालिक पाइप है जिसके हमें जो है ना एक साइड का पता है, ये एक केबल है जो है ना हमारे पास लाइव नहीं है, हमने उसकी डीबी के साथ में एक साइड से इसको कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास अभी मेटालिक पाइप नहीं है तो हम जो है ना एज एक लैडर को यूज करते हैं, एक सिरा जो है ना हम अपने एक साइड से जो है ना इसको कनेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से हम जो है ना इसकी दूसरी वायर जो है इसको हम अपनी ये स्पाइस के साथ में जो है ना उसके करीब में जो है ना कहीं पे कनेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पाइप का जो है ना वो ऑलरेडी कनेक्शन होना चाहिए दूसरे किसी भी पॉइंट के ऊपर अर्थिंग के साथ, या वो बड़ीड होना चाहिए हमारे पास अगर मेटालिक पाइप है तो वो हमारे पास जो है ना वो इससे जो है ना वो सिग्नल हमें देगा हमारे एक कंटिन्यू जहाँ जहाँ से जो है ना पाइप हमारा गुजरा है या केबल गुजर रही है। अभी हमारे पास क्योंकि ये आगे कंटिन्यू नहीं है, आगे जो है ना ये अर्थ भी नहीं है, तो हम स्पाइक्स जस्ट अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं ऐसे जो है ना इसके एग्जाम्पल के लिए। बस हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट किया दूसरे वाले को, तो ये ऐसे ही जैसे हमने जो है ना इसको अर्थिंग के साथ दूसरी साइड पर किया। अभी हम इसका जो है वो चेक करते हैं इस मेथड से। थर्ड नंबर पॉइंट जैसे मैंने पहले बताया उसको टी एक्स पे होना चाहिए जो हमारा ट्रांसमीटर वाला सिग्नल है, ये हमने इसको टी एक्स पे किया। टी एक्स पे करने के बाद हम ट्रांसमीटर को भी ऑलरेडी मैंने बताया कि डायरेक्ट मेथड में यूज करेंगे। ये ऑन है और यहाँ पे ये इंडिकेशन बता रहा है कि ये क्लिप वाला ये डायरेक्ट मेथड में है, ये नीचे वाला ट्रांसमीटर है वो विदाउट केबल के कनेक्शन के है। ये ट्रांसमीटर को जब हम डायरेक्ट मेथड से चेक करेंगे अगर तो हमने दोनों क्लिप एक पाइप के साथ और दूसरा अपनी अर्थ की जो है स्पाइक्स के साथ प्रॉपर कनेक्ट किया है तो ये वाला हमें जो इंडिकेटर है ये ग्रीन कलर में शो हो रहा है। फर्स्ट कहने अगर हमारे पास हमने अर्थ वाली जो स्पाइक्स है सही नहीं लगाई है तो उसका मतलब है हमारे पास जब कनेक्शन सही नहीं होगा तो यहाँ पे ये वाली इंडिकेशन वो रेड कलर में जो है ना वो देना शुरू कर देगा कि हमारी स्पाइक्स या हमारा जो ये क्लिप है ये सही नहीं लगा पाइप या केबल के साथ में। अभी हमारे पास हम इसको चेक करते हैं, ये यहाँ पे हमारे पास कोई सिग्नल नहीं है, जीरो स्ट्रेंथ है हमारे पास सिग्नल की। जैसे ही हम अपने पाइप के ऊपर जाएंगे, ये पाइप के ऊपर हम आए हैं तो ये हमारे पास जो है इसकी फुल स्ट्रेंथ आ गई है। जैसे जैसे हम पाइप के ऊपर से गुजरते रहेंगे इसकी जो है ये स्ट्रेंथ हमें जो है वो 100% शो कर रहा है। और जैसे ही हमारा पाइप यहाँ पे एंड होगा यहाँ पे जो है इसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो जीरो हो जाएगी। तो ये हमारा मेटेलिक पाइप्स या केबल को डिटेक्ट करने के लिए दूसरा डायरेक्ट मेथड है ट्रांसमीटर के साथ में। अभी हम तीसरे मेथड के साथ जो है ना केबल की डिटेक्शन करेंगे। इसमें भी हम जो ये हमारा रिसीवर है इसको हम ये थ्री नंबर जो है ना सिलेक्शन से ट्रांसमीटर के ऊपर पहले लेके आएंगे। ये हमारा रेडियो वाला है, ये हमारा डायरेक्ट पावर वाला है, और ये हम ट्रांसमीटर टी एक्स के ऊपर इसको ले आए हैं। और अपना जो हमारा ट्रांसमीटर है ये हमारा ट्रांसमीटर है ऑन किया और इसमें से ये सी वाली ऑप्शन से हमारा टी एक्स के ऊपर लेके आएंगे। पहले हमने ये वाला इंडिकेटर था डायरेक्ट मेथड, अभी ये वाला है हमारा इसको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इसमें जो है ना ये वाली फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और नीचे जो भी हमारा मेटालिक पाइप होगा या केबल होगी उसके अंदर ये ट्रांसफर करेगा। और हम जो है ना हमारे पास ये रिसीवर है ये तकरीबन इनकी जो है ना डाटा शीट के मुताबिक 15 मीटर तक जो है ना ये अपने सिग्नल जो है ना उसकी रेंज होती है 15 फुट तक सॉरी। और ये हम रिसीवर को हमने उसको पाइप के ऊपर रखा हुआ है, किसी भी हमने हमें नीचे मालूम नहीं है पाइप या केबल कहाँ से गुजर रही है। उस मेथड से हम जैसे इसको ऊपर रखेंगे और जैसे ये हमारे नीचे पाइप है हम अपने रिसीवर को भी इस पाइप के ऊपर लेके आएंगे। ये पहले इसकी स्ट्रेंथ कम है, जैसे ही हम इसको इसके ऊपर से लेके आए हैं
ये पाइप के ऊपर जो है ना इसकी स्ट्रेंथ फुल हो गई है, तो इससे हम जो है ना अपने यहाँ पे अन हमारे पास कोई पाइप मालूम नहीं है कहाँ पे हमारे पास केबल या पाइप गुजरा है, इस मेथड से हम करेंगे जिसमें पे हम उसको केबल भी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हम जो है ना पाइप से बाहर हटे हैं इसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो कम होना शुरू हो गई है। अभी अगर हम इसके करीब में आके ये वाला इसको ऑफ करते हैं, ऐसे इसको ऑफ करना, जैसे ही हमने इसको ऑफ किया साथ ही हमारे पास जो है ना इसकी स्ट्रेंथ जीरो हो गई, यानी ये ट्रांसमिट कर रहा था सिग्नल हमारे पाइप को और उधर से हमारे पास ये रिसीव कर रहा था। ये हमारे पास हुआ तीसरा मेथड, इंडक्टिव मेथड। अच्छा, इसमें जो हमारा एक फीचर है डेप्थ की मेजरमेंट करने वाला, उसमें भी हम अभी जो है ना ये ट्रांसमीटर के साथ अपनी केबल को डिटेक्ट कर रहे हैं और हमने चेक करना है कि हमारी जो केबल है वो कितनी डेप्थ में है पड़ी है। ये ट्रांसमीटर के ऊपर है इंडक्टिव मेथड विदाउट केबल कनेक्शन। अभी हमारे पास यहाँ पे ये फुल सिग्नल बता रहा है कि हमारे पास नीचे केबल है। फर्स्ट वाली ऑप्शन को हम प्रेस करेंगे, ये थोड़े टाइम के बाद जो है डिटेक्शन होगी और ये 0.5 मीटर के ऊपर हमारे पास नीचे केबल है, तो ये ऑलमोस्ट हमारा 0.5 है, हाफ मीटर के करीब जो है ना हमारे पास नीचे अपनी